जय हिंद। समझते हैं कि आरटीपीसीआर से कैसे जांच किया जाता है कोरोना वायरस का, और आरटीपीसीआर में जो सीटी वैल्यू आती है इससे क्या कोरोना के मरीज के खतरा कितना है इससे जाना जा सकता है, और घर बैठे पल्स ऑक्सीमीटर से हम किस तरह से अपना फर्स्ट एड ले सकते हैं, और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि वहाँ बेड नहीं है तो हम अपने इलाज को किस तरह से कर सकते हैं, पहले आरटीपीसीआर समझते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है ना, ये ससुरा सबसे बड़ा समस्या है कि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए जो होता है, और हम लोग के पास डीएनए है। देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें दोहरी रस्सी होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का मॉडल, जबकि आरएनए जो होता है डीएनए का आधा होता है, ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल हेलिक्स होता है यहाँ पर। तो ये आरएनए हो गया, ये डीएनए। हमारे शरीर में डीएनए होता है, ये जेनेटिक होता है, और जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो है वो आरएनए है। समस्या ये है कि हम लोग आरएनए को नहीं चेक कर पाते, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो चेक करने की है वो डीएनए को चेक करने की है। जैसे आपके बच्चे की शक्ल अगर आपके पड़ोसी से मैच करने लगती है ना, तो हम लोग डीएनए चेक करते हैं, लेकिन ससुरा कोरोना में डीएनए है ही नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे? तो हमें उस आरएनए को जोड़कर, एगो एनए से एनए से जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका एक हिस्सा तोड़ दीजिएगा तो आरएनए बन जाता है। इस तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ससुरा कोरोना में तो पहले से टूटल एक ही है, तो इसे जोड़ना होगा, तो इसे हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना होगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनाए थे तो ट्रांसक्रिप्शन था, तो वापस आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें कोरोना की जांच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो आरएनए है उसे जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है आरटी। तो कुछ लोग इसको रियल टाइम कह रहा है, इसे कहा जाता है आरटी। अब पीसीआर का होता है क्या? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये क्या किया जाता है? कई ठो चेन बनाने होते हैं, कई सर्किल बना के होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ सर्किल, दो सर्किल बना दिए यहाँ पर, तो दो हो गया यहाँ पर, तो ऐसे करके चेन बनाया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इसी आधार पर कोरोना जो होता है उसकी जाँच किया जाता है। अब इसमें क्या जाँच करते हैं समझिए, आपके नाक से लिया जाता है स्लाइवा, या मुँह से क्या लिया जाता है? स्लाइवा को लिया जाता है। इस स्लाइवा में है आपका आरएनए, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएंगे डीएनए, और डीएनए के बाद हम इसे मशीन में डालेंगे, इस ये आरटीपीसीआर की जो मशीन है। अब इस मशीन में हम इसका साइकिल बनाएंगे डीएनए का। कितने साइकिल बनाएंगे? तो ध्यान से समझिएगा, यहीं पर होता है आपका साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है। वैज्ञानिकों ने या लैब वालों ने एक फिक्स वैल्यू रखा है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड वैल्यू, यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इनका जांचना है कि कोरोना के कितने चेन बनाए जाए, ये आरएनए का है, देखिए आरएनए का कितना चेन बनाए जाए कि उसके अंदर हमको कोरोना वायरस दिख जाए। आरएनए को किस में बदलना है? डीएनए में। और इसमें कितने चेन बनाए जाए कि हमको कम से कम क्या दिख जाए? कोरोना वायरस दिखाई दे दे। तो एक एवरेज वैल्यू निकाला गया कि कितने चेन घुमाना है, 35। 35 चेन घुमाएंगे, और इस 35 घुमाने तक में अगर कोरोना मिल गया तो हम कहेंगे कि भैया ये कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन 35 चेन घुमा दिए, यानी आरएनए का 35 डीएनए, मतलब समझिए टेक्निकल भाषा में, उसे चेन घुमा दिए, और 35 घुमाने के बाद भी नहीं मिला तो कह देंगे भैया तोरा में कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा, ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा। ये जो जूस बनाने वाली मशीन होती है, इसमें आप मौसमी या कुछ भी डालते हैं और इधर से आप नचाते हैं तो आप बताइए, पहला बार नचाते हैं तो क्या उसमें से रस निकलता है? नहीं। दो तीन बार ऐसे नचाइएगा तो नहीं निकले, उसके बाद उसमें से रस निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है, फर्स्ट राउंड में अगर आप आरएनए को घुमाएंगे तो उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर यही देखता है साइकिल थ्रेशोल्ड में, कितना साइकिल घुमाए हैं कि कोरोना निकला है। जैसे हम मौसम्मी डाल दिए तो कितना साइकिल घुमाएंगे कि मौसम्मी का रस निकले? कम से कम 4-5 बार घुमाएंगे ना तभी उसका रस निकलेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत दापते निकल जाएगा। तो मौसम्मी का सीटी वैल्यू कितना हो गया? 5। कितना पे वो रस फेंका है? ऐसे ही आम का कर देंगे तो आम का तनी और निकलेगा देर में, आम का रस निकलेगा 10 बार में। अमरूद डाल देंगे और कहेंगे कि अमरूद का बताइए तो सीटी वैल्यू कौ वो साइकिल मारेंगे तो निकलेगा, अमरूद में रसे नहीं होता है। तो ससुरा में 10-15 बार मारेंगे तब रस निकलेगा। वैसे ही हो रहा है ससुरा कोरोना में। कोरोना में जब आरटीपीसीआर किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कितना साइकिल करेंगे कि कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है। तो किसी किसी का 5 साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है। तो कह रहे ससुराई में तो बहुत ही कोरोना था, 5 बार घुमाए हैं मिल गया,
और किसी किसी में नहीं मिल रहा है, 10 बार घुमा रहा है तब मिल रहा है, तो कह रहा है भैया तोरा में कोरोना तनिक कम है, और किसी किसी में 20 बार घुमाना पड़ रहा है, 20 साइकिल चलाना पड़ रहा है, 20-20 साइकिल घुमाने के बाद उसमें कोरोना आ रहा है, तो उसका सीटी वैल्यू कितना दे रहा है, 20। किसी किसी का 30 साइकिल घुमा रहा है तब उसमें कोरोना मिल रहा है, मतलब उसमें सोच रहा कोरोना है ही नहीं है, कोना कोना खोज दिया गया है, और किसी का 35 घुमाया गया और तब वो नहीं मिला तो उसे कह देते हैं तुम निगेटिव हो। यानी सीटी वैल्यू ज़्यादा होगा तो ठीक बात है, मतलब कोरोना जल्दी नहीं मिला है, और सीटी वैल्यू कम है, मान के चलिए 2 है सीटी वैल्यू, यानी 2 राउंड मारा धाए दे कोरोना मिल गया, इसका मतलब ससुराल बहुत ज़्यादा कोरोना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और किसी का सीटी वैल्यू 30 है, मतलब ससुराल 30 राउंड मारा है तब जाके उसको कोरोना दिखा है, तो सीटी वैल्यू का ज़्यादा होना ये दिखाता है कि कोरोना की मात्रा कम है, और सीटी वैल्यू कम है मतलब तुरंत कोरोना मिल गया, मतलब शरीर में कोरोना की वैल्यू ज़्यादा है। सीटी वैल्यू से आपके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का सीटी वैल्यू ज़्यादा है मतलब कोरोना कम है, तो ऐसा नहीं कि वो खतरे से बाहर है, कोरोना कम रहे या ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वो तो एक बार आएगा और खटाखट अपना रेप्लिकेशन करके बढ़ा लेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है किसी का सलाइवा लेने में कम आ जाता है, कम सलाइवा आता है तो उसका सीटी वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसमें से कोरोना जल्दी मिलता ही नहीं है। जैसे आप समझिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है कोरोना उसको शुरुआत में हुआ, तो जैसे उसके शरीर में कोरोना घुसा तुरंत तो वो कोरोना फैल नहीं जाएगा, तो जैसे कोरोना घुसेगा अब वो जाएगा अपने RT-PCR करने, तो उसका 1 राउंड करेगा RT-PCR तो कोरोना मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी एंट्री मारा, अभी तो बहुत कम होगा, तो उसका 2, 10, 15, 20, 25 पे जाके डिटेक्ट होगा, तो डॉक्टर कहेगा अरे भैया आपका सीटी वैल्यू तो 25 है, मैंने जल्दी कोरोना मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर वही मरीज 10 दिन बाद चेक कराने जाएगा तो उसके फेफड़ा में तो पूरा कोरोना भर गया होगा, अब जब चेक करेगा तो 2-4 राउंड मारेगा इसे, 2-4-5 का अरे 5 में मिल गया तो कोरोना कम हो गया, तो सीटी वैल्यू कम हो गया। लेकिन जब वो मरीज 15-20 दिन बाद ठीक हो जाएगा तो उसके शरीर से तो कोरोना मर चुका है, अब जब उसका सीटी वैल्यू चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा, क्योंकि मर के ख़त्म हो गए सब, कोनी कोना वोना में बचल होंगे सब, तो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा। मतलब समझिए क्या है कि शुरुआत में आपके शरीर में कोरोना कम होता है इसलिए साइकिल ज़्यादा चलाना पड़ता है, तो सीटी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बीच वाली स्थिति में आते हैं बीमार पड़ने लगते हैं तो सीटी वैल्यू घटने लगती है, क्यों, क्योंकि तुरंत कम में साइकिल में आपको कोरोना मिल जाता है, और जब आप ठीक होने लगते हैं एंड होने लगते हैं तो फिर सीटी वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब समझिए यहाँ पर सीटी वैल्यू जो है वो कोरोना लोड, मतलब कोरोना का कितना लोड है, इस दोनों में उल्टा संबंध है। आपका सीटी वैल्यू ज़्यादा मतलब कोरोना बहुत कम है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिसका सीटी वैल्यू कम है वो बच जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कोरोना के वर्तमान संख्या को बताता है, संख्या से क्या मतलब, ये तो तुरंत बढ़ा ही लेता है अपनी संख्या, कोरोना को संख्या से मतलब है। तो अगर बताइए सीटी वैल्यू कम तो लोड वैल्यू ज़्यादा, हम आपको बताते हैं यहाँ हम मरीज का सीटी वैल्यू लिखे, हम कहते हैं कि इसमें बताइए वह कौन सा मरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटी, मतलब किस स्थिति में सबसे ज़्यादा वायरस दिखने हैं, सबसे वायरस ज़्यादा कब दिखेंगे सीटी वैल्यू पर, तुरंत वायरस कब दिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे 5 पर, जिसका सीटी वैल्यू 5 है मतलब ससुरा 5 साइकिल में उसको कोरोना मिल गया, 5 बार साइकिल घुमाया उसको कोरोना मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा शरीर में कोरोना भर ले था। और सबसे कम कोरोना किस में देखा गया, तो जिसका सीटी वैल्यू 32 है, क्योंकि 32 राउंड किया है खोजते खोजते 5 में नहीं मिला, 15 में नहीं मिला, 25 में नहीं मिला, लास्ट में मिला 32, मैंने बहुत ही कम कोरोना है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इसमें कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन ठीक होगा, क्योंकि कोरोना खुद की संख्या बढ़ाने में स्वतंत्र है। RT-PCR का जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में जाके ही होता है, और हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि कौन जाएगा वहाँ पे, इसलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। पल्स मतलब आपकी हार्ट बीट भी नाप देगा, ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नाप देगा। इसके अंदर एक इंफ्रारेड रेज होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप देती है। इसमें क्या क्या होती है, ये 3 चीज़ों को बताता है। ये इस शेप में होता है मशीन, इसे जिस हाथ को आप ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे हम राइट हैंड वाले हैं तो राइट हीट दाहिने हाथ के इस उंगली में पकड़ेंगे, और जो बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है लेफ्ट हैंडर होता है वो उसकी फर्स्ट फिंगर में इस मशीन को लगाएगा। इसको ये छोड़, ये यहाँ बटन होता है ऑन करने वाला, ये बटन ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से इसमें इसको पकड़ लीजिएगा, 1 मिनट में आपको पूरा बता देगा। अब इसमें 3 चीज़ होता है, पहला होता है सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज,
यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसे शॉर्टकट में क्या कहता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज़्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा 94% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है, इस सेचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शौक है, इस पर 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है, ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यह लिखा ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है, ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है, ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए, PI, जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8, लेकिन हाँ इतना याद रखना है PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है, ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब सोच रहा 0.5 हो जाएगा, मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किसका कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितना है, 97, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और ये इसका पल्स रेट जो यहाँ दिया है 83 है, ये भी सही है, 60 से 90 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल ससुरा 99 है, भाई साहब इतना खतरनाक आदमी भगवान है क्या, ये 99 ऑक्सीजन लेवल, इसको कोरोना नहीं है। और इसका पल्स रेट 68 है, सही है, ये 60 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, और ये कितना होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सही है यहाँ पर। दूसरा एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इसका बताइए आप बताइए इसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वीडियो रोक के कमेंट कीजिए, ऑक्सीजन लेवल ये है या ये है। ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या लिखा रहता है, SpO2 से भी आप पकड़ लेंगे 97 है, एक नंबर है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। पल्स रेट 60 है, चलेगा, 60 से 90 होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। अब ये कोई लड़की का हाथ है, देख रहे हैं नाखून उखून इतना बढ़ा हुआ है, ले लड़की देख के ये ऑक्सीमीटर काम करना छोड़ दिया, देख रहे हैं लड़की बहुत खतरनाक चीज़ है, लिख दिया है गुड, बहुत अच्छा, सोच रहा ये अपना काम भूल गया, लड़कियाँ का तारीफ़ कर रहा है, गुड ऑक्सीमीटर, अरे भाई साहब इसको देखो क्या हो गया, ऑक्सीमीटरों पगला गया। जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम बता रहा है, उसे हर 2-3 घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, और अगर 90 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे और होम क्वारंटीन में ऑक्सीजन लेवल मंगा लेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब 80 से नीचे चला गया तो डॉक्टर के कंसल्ट में ज़्यादा रहना है वहाँ पर, फिर आपको कुछ दवाई दिए जाएंगे, जैसे बहुत फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है, ये ज़्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन सी नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहाँ से ले लेंगे, तो जिंक ले लेंगे आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए, तो हर घंटे एक हक कप गर्म दूध पीते रहिए, नहीं कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे एक एक कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए शुगर के जो मरीज होते हैं, तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है, जिंक ही बनाता है इंसुलिन को। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है, तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है, तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहाँ पर, क्योंकि उसको जिंक ही घटाता है और शुगर वालों को पहले से था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं, ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है, ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, आप कोशिश कीजिए आंवला,
एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए, बाद में आपको संतरा, मौसमी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहां पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा। और एक मल्टी विटामिन टेबलेट आता है, तो मल्टी विटामिन में ना कोशिश कीजिएगा कि जिंक वाला मल्टी विटामिन ले, जिंक वाला मल्टी विटामिन, तो जिंक के भी हो जाएगा, विटामिन सी का भी हो जाएगा, ये ज़रूरी है। कोरोना में पानी का लेवल कभी नहीं घटना चाहिए, ये सुसाइड हो जाएगा अगर पानी का लेवल घट गया। तो खूब पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, खूब दबा के पानी पीजिए, पानी में कमी नहीं कीजिए। और गर्म पानी से भाप लीजिए, ऐसे गर्म पानी को खोला दीजिए और अपने को गमछा बांध के कटोरवा अंदर रख लीजिए, पूरा भाप स्टीम लीजिए, इससे फ़ायदा होगा। गर्म पानी से ऐसे गलाला कीजिए वहाँ पर। ये घरेलू उपचार है बाबू लोग, भैया हमारे हॉस्पिटल में जगह ना है, अभी फिलहाल ही घरेलू से काम चलाइए। भारत में एक समय आएगा आप केवल 10 दिन वेट कीजिए, एक दिन में 4-4 लाख मरीज मिलेंगे यहाँ पर, फिर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग के बीच में 4 तरह का कोरोना घूम रहा है। पहला प्राइमरी कोरोना जो चाइना से शुरू हुआ था 2020 वाला, वो उतना खतरनाक नहीं था। अभी जो आया है न्यू स्ट्रेन कोरोना 2021 में, इससे थोड़ा सांस का लेवलें घटा दे रहा है, बहुत ही खतरनाक है। अभी ये युवाओं में हो रहा है, बहुत कम चांसेज है इसमें बचने का। तो ये दो ठो सबसे खतरनाक है सब। अब एक होता है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, कि किसी को वैक्सीन लग गया है और वैक्सीन लगने के 15-20 दिन बाद कोरोना हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, पोस्ट वैक्सीन वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है री इन्फेक्टेड कोरोना, कि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था 2020 में और फिर 2021 में हो गया, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी कोरोना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है, जिसका लोग मजाक उड़ा के धज्जी उड़ा रहे हैं, वो जान ले रहा है पूरा। इसी बीच अमेरिका से एक बुरी खबर ये आई कि अमेरिका में एक कानून था जिसका नाम था डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950। इस कानून में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी चीज़ के मतलब निर्यात पर रोक लगा सकते हैं। इसी के तहत कोरोना वायरस जब फैला तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये कई सारे ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं, ऐसे 37 चीज़ों के निर्यात पर रोक लगा दिया कि ये बाहर नहीं जा सकती है। तो भारत सरकार या पूरी दुनिया को इस बात का उम्मीद था कि जो बाइडेन आएंगे तो उसमें छूट देंगे, लेकिन जो बाइडेन ने भी कोई छूट नहीं दिया। तो 37 ऐसे चीज़ है जिसमें दवाइयों की शीशी है, ढक्कन है, उनका फिल्टर है, बहुत सारे ऐसे टोटल 37 चीज़ है जिसका मतलब उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो जिस रसायन पर रोक लगाया गया, जिस केमिकल पर, उसका नाम है एडजुवेंट केमिकल। ये एडजुवेंट क्या करता है, कोरोना के जो वैक्सीन है इसके पावर को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी उत्पन्न हो, और ये वैक्सीन की पावर को बढ़ाता है। अमेरिका इस पर रोक लगा रखा है। इसी वजह से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे, उनकी जो आधार पुणे वाला है, इन्होंने ट्वीट भी किया था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि इस तरह के वैक्सीन को हटाइए ताकि दुनिया के सारे लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा सके। मोदी जी से भी कहते हैं कि आप भी इसमें पहल कीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत में लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रति महीने लग रही है, और अगले महीने से इसको हम लोग का टारगेट है 12 करोड़ प्रति महीने बनाने का, क्योंकि अब जो है 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी लगने लगेगा, इसमें बहुत सारी जनसंख्या आती है। तो मोदी जी से गुजारिश करते हैं, आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोग आपसे गुजारिशें करेंगे। मोदी जी से भी पिछले वीडियो में हम बोले थे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक देना चाहिए, कि सरकार को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। मोदी जी थैंक यू, आप बात मान लिए। अगले दिन वीडियो बनाए, उसके अगले दिन पेपर में देख रहे हैं उद्योग को ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्र ने रोक लगा दी। तो ऐसे मोदी जी विनती करते हैं कि अमेरिका पर भी दबाव बनाइए, क्योंकि अगर अमेरिका से केमिकल आएंगे तो भारत में वैक्सीन बनेगी, और भारत की वैक्सीन ही अफ्रीका जैसे गरीब देशों में जाएगी, वरना इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, वरना इन्हें मरता छोड़ देगा। और वैक्सीन कितना ज़रूरी है इसका एग्जाम्पल आप इसराइल से ले सकते हैं। इसराइल अपने यहाँ छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को वैक्सीन लगा दिया, और आधे से ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगा दिया है, मतलब कुछ ही महीने में वो 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से प्रतिबंध भी अब इसने मास्क वगैरह के लिए बहुत कम कर दिए हैं इसराइल ने, तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। और भारत में देखेंगे तो अभी लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ही ईद मनाओगे यार, क्या मतलब बनता है, घर में रहो ना,
एक बार ईद और एक बार ना बर्दाश्त हो जाता है यहाँ पे कुंभ के मेला में। देखो भाई साहब इतना भीड़ हो रहा है, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, ये सब देख ध्यान समझ रहे। अब यहाँ पे देख रहे हैं चुनाव में एक से एक हो रहा है, तो भाई इन लोग को अपने जगह रहने दीजिए, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत खतरनाक कोरोना है बिहार में, कितने मंत्री लोग को हो गया अभी क्या बताएंगे। इतने बड़े बड़े मंत्री लोग को जब कुछ नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल नहीं कुछ कर पा रही है, तो हम लोग को ने डेक्ची के मसाला है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।